नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हरिशंकर परसाई का बहुत लोकप्रिय कथन है, मूर्खता का आत्मविश्वास सबसे चरम पर होता है। यह अलग बात है कि कोई भी खुद को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता, लेकिन इस दुनिया में जो भी थोड़ी बहुत खुशी, चेहरों पर मुस्कान बची हुई है, वह मूर्खता के इस चरम आत्मविश्वास के कारण ही बची हुई है। अच्छी बात यह है कि मूर्खता पर कोई कानूनी रोक टोक नहीं है, जब चाहे जैसे चाहे इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, मूर्खता के ऊपर हंसने की कानूनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मसलन, मूर्ख की मूर्खता पर आपने प्रतिक्रिया दी तो संभव है कि आपको मानहानि की चपेट में लपेट लिया जाए। तो गए हफ्ते मूर्खता का घोड़ा तगड़क तगड़क दौड़ रहा था। कंगना रनौत के अंदर हर वो लक्षण है जो किसी नार्सिसिस्ट या फिर आत्ममुग्ध व्यक्ति के अंदर होते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि नीले आसमान के नीचे अखिल ब्रह्मांड की सभी समस्याओं का हल उनके पास है। इस तरह के लोगों में ये सलाहियत नहीं होती कि वो विनम्रता से स्वीकार कर लें कि अमुक विषय के बारे में मेरी खास योग्यता या जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर मैं चुप रहूंगी। इनकी बात वहां से शुरू होती है जहां बाकियों को लगता है कि मुद्दा खत्म हो चुका है। ये इतिहास पर तो बोलेंगी ही, इतिहास के एक एक घटनाक्रम पर भी अपने ज्ञान का कूड़ा करकट फैलाते चलेगी। ये जाति पर भी बोलेंगी, भले ही जाति और वर्ण व्यवस्था का ककहरा पता ना हो। ये किसानों पर भी बोलेंगी, ये विदेश नीति पर भी बोलेंगी, ये संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं पर भी बोलेंगी, और सांप्रदायिकता पर तो इनका विशेषाधिकार है ही। साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। बटने और कटने वाली बात पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, पहले किसान आंदोलन पर मोहतरमा के खालिस विचार जान लीजिए। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। इस बात पर स्वयं इनकी पार्टी भाजपा हत्थे से उखड़ गई। बयान जारी हो गया कि बहन कंगना नीतिगत मसलों पर बयान देने योग्य नहीं है, लेकिन वो कंगना ही क्या जो खनकने से बाज आ जाए। इनको ये भी पता है कि किसानों के आंदोलन में अमेरिका और चीन का हाथ था। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और जब पलट कर ये पूछ लिया जाए कि कहाँ से अमेरिकी हाथ की खबर आपके हाथ लगी, तो अल्ल बल्ल जो मुंह में आया बहन ने उगल दिया। तो आप जब कह रही हैं कि यहाँ पे जो किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे अमेरिका का हाथ था, तो सोर्स ऑफ इन्फो क्या है इसके पीछे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे जो अब डायरेक्शंस मिली हैं कि आई स्टैंड विद द पार्टी स्टैंड, I stand with party's policies. मैंने जो कहा अपनी perception पे based. यह आत्ममुग्धता और अधिनायकवादी प्रवृत्ति का नमूना है। पता हो न हो, कोई स्टडी हो न हो, बस ठेल दो, और जब पलट के सवाल आ जाए तो दाएं बाएं मिमियाने लगो। इंटरव्यू की धकापेल में कंगना के साथ इसी तरह की स्थितियां कई बार दरपेश आई। बहन को लगा कि जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले की भूमिका पकड़ ली जाए तो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा आसान काम है। सो बहन खुद ही सवाल पूछने लगी। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? जवाब सुन लीजिए, लेकिन जवाब में कोई मजा नहीं है। जवाब के बाद आई कंगना की प्रतिक्रिया में लाखों का मजा है। 10% सीट चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट चाहिए होती हैं, उनको 99 आई हैं, तो मिल गया। मिमियाई आवाज में ज्ञान सागर कंगना जी की प्रतिक्रिया देखिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। दोस्ती बनी रहे टाइप मामला हो गया। खैर, राहुल गांधी तो फिर भी 10% से ज्यादा सीटें लाकर नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन कंगना जी से अगर यह सवाल पूछ लिया जाता कि राजनीति में वो किस योग्यता और योगदान के दम पर संसद में बैठी हैं, तो फिर बदमजगी पैदा हो जाती। बहन जाति व्यवस्था और वर्णाश्रम के मामलों की भी विशेषज्ञ हैं। सुनिए जातिगत जनगणना के सवाल पर उनके राष्ट्रहित वाले विचार। कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं, मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं। पता ही नहीं, क्यों पता करना है भाई, क्यों पता क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? अंग्रेजी का एक शब्द है इग्नोरेंट।
हिंदी में आसपास का ही शब्द है अज्ञानी या फिर अनभिज्ञ। हमारे देश में अपने आसपास की सच्चाई से अनभिज्ञ सवर्णों में यह समस्या बीमारी की तरह मौजूद है। मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी जाति क्या है, या मुझे नहीं पता कि मेरे कलीग्स मेरे दोस्तों की जाति क्या है। इससे मिलते जुलते वाक्य इस देश का प्रिविलेज्ड सवर्ण तबका धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है। यह सिर्फ एक सवर्ण ही कर सकता है, क्योंकि वह खुद जाति की कसौटी पर कभी कसा नहीं गया है। इस देश के सवर्णों के पास जाति के रूप में एक अदृश्य कल्चरल कैपिटल, बोले तो सांस्कृतिक पूंजी मौजूद है, जो कदम कदम पर उसके लिए रास्ते खोलते चलती है। ऐसे ही अनगिनत इग्नोरेंट सवर्ण जमात की मौसी हैं कंगना रनौत। ऐसे लोगों को जातिगत जनगणना क्यों चाहिए? जनरल नॉलेज की यह स्थिति है कि पता इनको देश के पहले दलित राष्ट्रपति तक का नहीं, लेकिन मेरिट पर इनकी बपौती चलती है। पहले जब राम कोविड जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति वो बने, दूसरे है ना, के आर नारायणन पहले थे। सॉरी फॉर माय मिस इन्फॉर्मेशन। राम कोविड जी आए। जातिवार जनगणना नहीं होनी चाहिए, यह तो इनके अवसरवादी व्यक्तित्व का एक पहलू है। इस तरह की अनेक अवसरवादिता ये बेशर्मी से माथे पर मुकुट की तरह सजा कर रखती हैं। इसे समझने के लिए कंगना के हालिया कुछ इंटरव्यू में कही गई बातों पर ध्यान दीजिए। इनको आज़ादी 2014 में मिली, इसका तर्क ये है कि उसके पहले इन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इनका काम धाम बंद हो गया था, ये देश छोड़कर अमेरिका में बसने जा रही थी। सुनिए इनके विचार को। और आपको ये पता होगा, ये भी मैंने कही कि मैं अमेरिका चली गई। अच्छा जी, कब? 2009 में, 10 में मैंने वहां पे कैलिबसिस करके मैं जाके अपने जो भी रोल मुझे मिल रहे थे। You shifted to LA? हाँ जी, मैंने घर ले लिया वहां पे। इनका धंधा बंद हो गया, इन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, इसके लिए पूरा देश जिम्मेदार था, कांग्रेस खास तौर पर जिम्मेदार थी। गुलामी की उस अवस्था में इन्होंने अमेरिका में बसने का निर्णय किया। काफी अक्षय कुमार टाइप देशभक्त हैं ये, जब तक धंधा चला तब तक भारत के, नहीं तो कनाडा या अमेरिका के हो लिए। वाह देशभक्त वाह। ऐसे ही नहीं, अमेरिका से लेकर कनाडा और इंग्लैंड तक अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले हिंदुस्तानियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी ही देशभक्त कंगना के लिए भारत 2014 तक गुलाम था, तभी भारत की किस्मत खुल गई, मोदी जी सत्ता में आ गए और भारत आजाद हो गया। इस खुशी के मौके पर अमेरिका जाना कैंसिल हो गया। ये वही अमेरिका है जहां बहन ने घर खरीद कर घर बसाने का निर्णय कर लिया था। ये वही अमेरिका है जो अब भारत के खिलाफ साजिश में लगा हुआ है। तो इस तरह के षड्यंत्र पर आपको क्या लगता है किसानों? चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। इस धूर्त अवसरवादिता को आप क्या कहेंगे, जो भी कहें, लेकिन विदेश नीति में इसी दक्षता का परिचय उन्होंने कई और मौकों पर दिया। इनको पता है कि जो शेख हसीना के साथ हुआ वो भारत में मोदी जी के साथ भी होने वाला था। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी, अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। बस इन्हें इतना नहीं पता है कि शेख हसीना ने अपने देश में बीते 15 सालों में किस कदर अंधेर गर्दी मचा रखी थी। जनवरी महीने में बिना विपक्ष के ही चुनाव करवा लिया था, छात्रों के ऊपर गोली चलवाई गई थी, बड़ी संख्या में लोगों को नजरबंद कर दिया गया था, मीडिया को चापलूसी का हरम बना दिया गया, लेकिन ये सब इनको नहीं पता है। फिर से मूल बात पर लौट आते हैं, बुद्धिमान कितना भी गाल बजाएं, सच तो यही है कि दुनिया मूर्खों के दम पर चल रही है। इस बात से शायद ही कोई दो राय रखे कि चेतन और संवेदनशील होना सभी दुखों की जड़ है, मूर्खता हर चिंता से मुक्ति का शर्तियां इलाज है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने गहन शोध के आधार पर यही निष्कर्ष दिया था, सबसे भले विमूढ़ जिन्हें न व्यापहि जगत गति, यानी वो मूर्ख भले हैं जिन्हें दुनिया की गति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास की प्रशंसा से यह बात सिद्ध होती है कि मूर्खों का अस्तित्व आदिकाल से है। इस परंपरा में कालिदास सबसे शुरुआती लैंडमार्क बनकर उपस्थित होते हैं। कहानी है कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, इसी मूर्खता से उनका भाग्योदय हुआ था। आप अपने आसपास देखिए, प्रचुरता में ऐसे लोग नजर आएंगे जो अपनी डाल को काट रहे हैं और जमकर विकास कर रहे हैं। कोई परिवार की तो कोई समाज की डाल काट रहा है, बहुत से लोग देश की डाल भी काट रहे हैं। शोध बताते हैं कि परिवार और समाज के मुकाबले देश की डाल काटने से ज्यादा लाभ होता है। तुलसीदास की बात को ही दुनिया के अनेक बुद्धिजीवियों ने भी अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है, क्या सुकरात और क्या शेक्सपियर। सुकरात कहते हैं कि मैं केवल एक ही बात जानता हूं
कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने को अज्ञानी ही मानता हूँ। शेक्सपियर एज यू लाइक इट नाटक में इसी बात को अलग तरीके से कहते हैं। मूर्ख स्वयं को विवेकवान समझता है और विवेकवान स्वयं को मूर्ख। विवेकी और मूर्ख में बस यही भेद है। मूल बात वही है जो परसाई जी ने कही थी कि मूर्खता का आत्मविश्वास प्रचंड होता है। सालों से हमारा घोघा बसंत मीडिया बगुलों को हंस साबित करने में अपनी जान लड़ाता आ रहा है। कंगना विवाद में भी उसने वही भूमिका अख्तियार की। बिना किसी सत्य या तथ्य के कंगना ने किसान आंदोलन को चीनी अमेरिकी षड्यंत्र बता दिया। दरबारी मीडिया चैनलों को मजा आया, लेकिन जैसे ही कंगना के बयान पर पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान की प्रतिक्रिया आई, एकाएक हुड़कचुल्लू एंकर एंकराओं को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं कि हम सिमरनजीत सिंह मान के बयान को कतई बेतुका, गैर जरूरी और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ मानते हैं, लेकिन कंगना रनौत के मूर्खतापूर्ण बयानों का बचाव करने के लिए प्राइम टाइम पर जो जोर आजमाइश हुई वह उसी बगुला हंस कथा का पुनर्पाठ था। इस बेहद घटिया बयान पर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? घुमा फिराकर विरोधी कंगना पर ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? जोर तो ये सब मिलकर लगा रहे थे, लेकिन मजाल क्या कि किसी ने कंगना से कोई सवाल पूछा हो। मैं कह रहा हूँ ना, साइलेंट मोड में चले गए सब। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कई बार महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर चुकी, मतलब आप कह सकते हैं कि एरोप्लेन मोड में चला गया। कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी के प्रमोशन के लिए एक चैनल से दूसरे चैनल पर भटक रही हैं। हर जगह अपनी बौद्धिकता से दो चार विवाद पैदा कर रही हैं। खुद वो और उनकी पार्टी जिस नेता और दल की दिन रात बुराई करते रहते हैं उसके ऊपर फिल्म बनाकर पैसा भी बनाना चाहती हैं। अब मूर्खता की परिचर्चा से आगे बढ़ते हैं। एक बात जो बीच में आई और रफा दफा हो गई उस पर बात करना जरूरी है। पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा, बटोगे तो कटोगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। पीछे पीछे मुक्काखोर गिरिराज सिंह ने भी कहा, बटोगे तो कटोगे। योगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना पड़ेगा। और उनके पीछे कंगना रनौत ने भी कहा, बटोगे तो कटोगे। मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लोकसभा चुनावों में मिली सीख के बाद एक बार फिर से सांप्रदायिकता की हांडी चूल्हे पर चढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में कई सारे उपचुनाव होने हैं, लिहाजा सांप्रदायिकता और मुस्लिम विरोध का झुंझुना योगी जी फिर से बजाने लगे हैं। पीछे पीछे उनके शागिर्द भी खनखनाने लगे हैं। यह सतर्क होने का वक्त है। इन्हीं की पार्टी के एक चश्मे चिराग हैं असम के मुख्यमंत्री, वो भी मियां भाई की डेयरिंग से बहुत परेशान है। ऐसे ऐसे बीमार लोगों के हाथ में संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। संविधान की शपथ लेते वक्त इन दोनों महापुरुषों ने कहा होगा, मैं फलाना सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना संविधान और विधि के अनुसार व्यवहार करूंगा। ये आखिरी वाली लाइन बहुत मानी खेज है। क्या इन दोनों व्यक्तियों का बयान सभी प्रकार के लोगों के साथ अनुराग या द्वेष के बिना, भय या पक्षपात के बिना दिया गया है? असम में हालात बहुत खराब हैं, प्रदेश के भी और हिमंता बिस्व शर्मा के परिजनों के भी। पहले परिवार के हालात पर बात करते हैं। असम विधानसभा का सत्र चल रहा था। आरोप लग रहे थे कि उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने अथाह चल अचल संपत्तियां इकट्ठा कर ली हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर कई आरोप भी लगाए हैं। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा पहले जहां खुद भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे थे, वहीं अब एक बार फिर से उनके परिवार पर ऐसे आरोप लगे हैं, क्योंकि पत्नी के ऊपर सरकारी योजना का लाभ लेने का आरोप लगा है और 10 करोड़ हजम करने का। असम के मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उनकी सत्ता में प्रभाव की वजह से उनकी पत्नी को केंद्र सरकार से किसान संपदा योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी अप्रूव हुई है। जवाब में विधानसभा के भीतर शर्मा ने घोषणा की कि व्यापार में अगर फायदा होगा तो उसे पानी में तो नहीं बहा देंगे।
और लगे हाथ शर्मा ने यह भी कहा कि जो कुछ भी उनकी पत्नी के नाम है वह सब असम की जनता को मिलेगा, उनके बेटे बेटी को नहीं। रिनिके भूया शर्मा जी करिसे तो अहोमर राइजके दि थै जाबो कोनो लई ना जाय एटा एटा कय जी करिसे अहोमर राइजके दि दि गय आसे न्यूज लाइबो अहोमर राइजक दि थै जाबो सब अहोमर राइजके दि थै जाबो मोर लरा सली कने एकु ना गटिके एबिलाक कय लाभ नै एबिलाक अहोमर सम्पत्ति बुली धरि थै दियो कब मिलेगा कैसे मिलेगा इसकी कोई साफ डेडलाइन शर्मा जी ने नहीं बताई है, पर जनता उम्मीद से है। उम्मीद का आलम यह है कि असम हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ की भयानक तबाही से जूझ रहा है। खबरों के मुताबिक असम के 10 जिलों के 423 गांवों में लगभग 1,30,000 लोग विस्थापित हुए हैं, 20 लाख के करीब आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने और तूफान से मरने वालों की संख्या 113 तक पहुंच गई है, लेकिन जनता उम्मीद से है क्योंकि शर्मा के पास इन सवालों का बस यही जवाब है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बाढ़ की स्थिति के लिए भौगोलिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन पर राज्यों का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी वर्षा के कारण असम में बाढ़ आई है और यह हमारे नियंत्रण के बाहर है। बाढ़ पर कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है, लेकिन मियां भाई पर कंट्रोल का पूरा प्लान तैयार है। और दरबारी मीडिया को इतने सारे घोर आपत्तिजनक बयानों पर सीधे सवाल पूछने की बजाय कुकुर झोंझो वाली बहस लड़ाने की पड़ी है। खुद हेमंत बिस्वा सरमा कह चुके हैं कि असम में इतनी तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है कि 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा, मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा असम। चिंता जाहिर कर रहे हैं। हेमंता का डर इसलिए भी शायद सही दिखाई देता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में असम में कई जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। साहब, क्या हिंदुस्तान में मियां भूमि नई रणभूमि बन गई है? हिमंता बिस्व शर्मा के मियां मुसलमान वाले बयान पर आखिरकार सियासी तूफान क्यों मचा है? असम में मुस्लिम आबादी का बढ़ना एक बड़ा मुद्दा है। आरोप लगते हैं कि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से पड़ोसी देश से मुस्लिम असम में आते हैं और यहां बस जाते हैं। इस घामड़ आदमी की एंकरिंग ने खास तौर पर हमारा ध्यान खींचा। बांग्लादेश की बात करते हुए सीएम योगी ने देश के हिंदुओं से कड़वे शब्दों में साफ साफ कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यह पत्रकारिता नहीं, धूर्तता है। इसमें एक साधारण सवाल पूछने की काबिलियत नहीं है। योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पर बैठकर इतनी जहरीली बात कैसे कह सकते हैं? क्या करते हो चूतिया अपने का? योगी से सवाल करने की हैसियत इनकी पहले भी नहीं थी। अब जो कुछ बचे खुचे लोग हैं उनका भी मुंह बंद करने की तैयारी हो रही है। योगी जी की सरकार एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है। इस योजना के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए यूपी सरकार ने 2-8 लाख रुपए प्रति महीने कमाने का एक सुनहरा मौका दिया है। इस योजना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स की एक कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी यूट्यूब चैनल्स की है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए इन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर 2-8 लाख रुपए प्रतिमाह तक का भुगतान किया जाएगा। योगी सरकार ने सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी को पास किया है। योगी सरकार की नई पॉलिसी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हर महीने 2-8 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों का ढिंढोरा वीडियो, ट्वीट्स, पोस्ट और रील्स के जरिए पीटना होगा। और सबसे जरूरी बात, अभ्यर्थी ध्यान रखें कि जरा भी दाएं और बाएं हुए तो सरकार विरोधी कंटेंट, अभद्रता, अश्लीलता या फिर राष्ट्र विरोधी कैटेगरी में डालकर आपको दाएं या बाएं से सीधे रास्ते पर लाने का प्रबंध भी इस नीति में किया गया है। अगर कभी यूपी सरकार को लगा कि कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पत्रकारिता के पैमाने पर आप इस योजना को कैसे तौलेंगे? कुछ बरस पहले पत्रकारिता में पेड न्यूज की बीमारी डायग्नोज हुई थी। मीडिया संस्थान पैसा लेकर नेताओं की मनमाफिक खबरें दिखाते थे, खासकर चुनावों के समय। इसे गंभीर बीमारी मानते हुए हमारे चुनाव आयोग ने कभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और ये कहा था, बहुत ज्यादा प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रत्याशियों के नाम से जारी बयानों में उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों की प्रशंसा करने के साथ मतदाताओं से सीधे वोट देने की अपील की जाती है। ऐसी खबरों को चुनाव आयोग सामान्य खबर नहीं बल्कि पेड न्यूज मानता है। याचिका में आगे ये कहा गया था, यदि फ्री स्पीच की आड़ में इस तरह के जानबूझकर प्रचार वाले संबोधनों को चुनाव के समय छूट दी गई तो पहुंच वाले उम्मीदवार इसका लाभ उठा लेंगे। ये वे उम्मीदवार होंगे जो मजबूत नेटवर्क रखते हैं और मीडिया में जिनकी खास पकड़ है।
ऐसे उम्मीदवार समाज में अपने प्रभाव का लाभ उठाकर ऐसी छुपी हुई सेवाओं के जरिए विपक्ष के खिलाफ असामान्य बढ़त बना लेंगे। लेकिन यह न्यू नॉर्मल का समय है, न्यू इंडिया में न्यू नॉर्मल। अब पैसा देकर योगी जी अपना और अपनी पार्टी का गुणगान करवाएंगे, यह किसी भी लिहाज से पेड न्यूज तो नहीं होगा, क्योंकि सरकार कानून बनाकर इसे वैध कर रही है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट बैठकर झालमचीरा बजाएं। हम बस आपको एक ही बात कहेंगे, इस समस्या का इलाज है सब्सक्रिप्शन आधारित पत्रकारिता। सरकार और कॉरपोरेशन के विज्ञापन पर निर्भर मीडिया जी हुजूर माई बाप वाली पत्रकारिता से आगे नहीं बढ़ सकती। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। अब इस हफ्ते की रिपोर्ट का समय हो गया है। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में स्थिति गंभीर हो गई है। वडोदरा, मोरबी और पोरबंदर जिलों में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। खबरों के मुताबिक गुजरात में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के चलते हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। शहर में घुसा विश्वामित्री नदी का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। हालांकि कई इलाकों में अब भी बिजली की सप्लाई नहीं हुई है और लोगों को बीते 3 दिनों से खाने के सामान, दूध और पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इन सभी के बीच जरूरी सामान की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।